हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और नंबर सिस्टम में इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन समझ जाएंगे कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और ये समझ जाएंगे कि नंबर सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, और डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन, और डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। इतनी सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और जब भी इसमें नया लेक्चर डाला जाए तो आप उसको तुरंत से देख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो लेक्चर है जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है, जीरो और वन के फॉर्मेट में काम करता है, और हम लोग जो काम करते हैं वो सारा काम करते हैं अपनी लैंग्वेज में, मतलब ए टू जेड या जो भी कहें, वॉइस कहें या फिर इमेजेस कहें, तो हम लोग सारा इसमें काम करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है कि यूजर द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा या हमारे द्वारा दिया गया जो भी डेटा है, उस डेटा को क्या करता है कि वो जीरो और वन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में वो सारी प्रोसेस करता है। तो मेमोरी में जो डेटा का स्टोरेज होता है वो सारा जीरो और वन के फॉर्मेट में ही होता है। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरेज की बात करें डेटा में, तो वो होती है बिट, और बिट क्या होता है, जीरो या वन, ये बिट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा नंबर डेटा जो भी है, तो हम किस किस तरह के नंबर दे सकते हैं या किस किस तरह के नंबर हम इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है, हम प्राकृतिक संख्याएं जीरो टू आगे जो भी अनंत तक जो भी हम यूज करते हैं, तो वो नंबर्स हम यूज करते हैं। इसके बाद यदि हम निगेटिव नंबर्स की बात करें, तो हम निगेटिव नंबर्स भी यूज करते हैं, और हम इंटीजर नंबर यूज करते हैं। इंटीजर नंबर मतलब जो भी हम संख्याएं काउंट करते हैं, एक दो तीन चार वस्तुएं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम काउंटिंग करते हैं, तो वो इंटीजर नंबर पे करते हैं। तो हम लोग जनरली इस तरह के फॉर्मेट के डेटा यूज करते हैं नंबर्स में। अगर इसके बाद हम बात करें कि और भी जो नंबर्स हैं या और भी टाइप का डेटा है, तो जैसे जो भी हम डेटा उसमें इनपुट कर रहे हैं, इमेजेज हो या फिर मान लीजिए वॉइस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी चीजें हो, वो सारा कंप्यूटर क्या करता है कि उसको जीरो और वन के फॉर्मेट में, उसको कई सारी बिट्स में, जीरो वन की स्ट्रिंग में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है और उसी को स्टोर करता है। तो डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है इनकोडिंग ऑफ डेटा गिवन बाय यूजर। जो यूजर द्वारा, हमारे द्वारा जो डेटा दिया जाता है, चाहे वो नंबर के फॉर्मेट हो, अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में हो, मतलब ए टू जेड हो, कोई भी नाम हो या कोई भी इमेज हो, कोई भी वॉइस हो, वीडियो हो, ये सारे कुछ का कन्वर्जन या इनकोडिंग होती है जो जीरो और वन के फॉर्मेट में, ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। और यही डेटा का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में होता है। मेमोरी में ब्लॉक्स के रूप में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें जीरो और वन के फॉर्मेट में सारा डेटा जो भी होता है वो स्टोर होता है। तो इस प्रकार से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास चार टाइप के नंबर सिस्टम है। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, डेसिमल नंबर जो सिस्टम है वो क्या है कि कोई भी एक नंबर, कोई भी डिजिट का सीक्वेंस है जिसमें 0 to 9, जिसमें जो नंबर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 0 to 9 को, इनका कोई भी सीक्वेंस आप बनाएं, मान लीजिए 5, 6, 2 का बना दें या जो भी आप लिखना चाहें, और उसको लिख दें, और उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो 10 लगा दें, तो वो जो नंबर है वो नंबर अपना कौन सा नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए आप, जैसे 3, 5, 7 इसका कॉम्बिनेशन लिया मैंने, इन पूरे अगर हमें ये 0 to 9 की बात करूं, तो इनसे मैंने 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन लिया और यहाँ पे बेस 10 लगाया, इट मींस दिस इज डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक इसका डिजिट है, वो प्रत्येक डिजिट की अपनी वैल्यू होती है। जैसे 3 की अपनी वैल्यू है, 5 की अपनी वैल्यू है, 7 की अपनी वैल्यू है, लेकिन
जब हम इनको एक कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तब इनकी दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो होती है इनकी फेज वैल्यू और एक होती है इनकी पोजिशन वैल्यू। फेज वैल्यू मतलब कि इनका जो वास्तविक मान है, जैसे 7 का 7 मान है, 5 का 5 मान है, ये वास्तविक मान है, फेज वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान की, तब अगर हम बात करें इसकी 7 की तो ये है इकाई में मतलब यूनिट में, इसके बाद अगर 5 की बात करें तो ये 10 प्लेस में है मतलब दहाई में है, और इसको अगर देखें तो ये सैकड़ा में है यानी हंड्रेड्स में। तो इनकी अगर उस तरह से हम वैल्यू देखें तो इनकी वैल्यू क्या करेगी, वैरी करेगी, चेंज होगी वैल्यू। तो इस प्रकार से इनकी जो वैल्यू है वो बदलती है प्लेस टू प्लेस। तो हमने जाना कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट होंगे, उसका बेस जो है वो क्या होगा, 10 होगा, और इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करके जो भी लिखेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो देखिए डेटा का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि सारा क्या होता है कंप्यूटर में, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। और बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 या फिर 1। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, और उसमें यदि हम बेस 2 लगा दें तो वो क्या होता है कि हमारा जो नंबर है वो बाइनरी नंबर कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कहेंगे 1 मीन्स ऑन, सिग्नल ऑन, एंड 0 मीन्स सिग्नल ऑफ, इस प्रकार से। और इनका जो भी कम्बिनेशन है उस कम्बिनेशन से बेस 2 अगर लगा के देखें तो हमें क्या मिल जाता है, बाइनरी नंबर मिल जाता है। तो ये बाइनरी नंबर। इसके बाद बात करें ऑक्टल नंबर की। देखिए ऑक्टल, ऑक्टल में क्या होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, 0 to 7। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप लिखते हैं और बेस क्या लगाते हैं, 8 का लगाते हैं, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑक्टल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें आप तो ये 3, 5, 7 और इसका जो बेस है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया, ऑक्टल नंबर। अब यही नंबर मैं यूज कर रहा था डेसिमल नंबर सिस्टम को बताने के लिए, तो वहां पर इसका जो बेस था वो 10 था, इसलिए वो बेस ही बताता है कि क्या है इसका टाइप। ओके, एंड डिजिट तो बताते ही हैं लेकिन बेस भी बताता है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 to 9, 0 से लगा के 9 तक के अंक, इसके बाद A, B, C, D, E और F, मतलब इसमें 16 डिजिट यूज किए जाते हैं जिनमें 0 से 9 और A से F। इसके बाद इसका जो बेस है, आधार है, वो कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर यदि हम इस A को डेसिमल के अकॉर्डिंग समझें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी, और यहाँ पर B 11 और ये 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी डी की जो एफ तक है इनकी वैल्यू यहाँ पर होगी। अब देखिए जैसे कोई भी हमें एग्जाम्पल में देखना है तो ये देखिए मैंने लिखा AF4 और बेस लगाया 16 का, तो ये क्या हो गया, एक हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। इसी को यहाँ पे मैंने देखिए चार्ट में दिखा दिया है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा, सिंबल 0 to 9 यूज हो गए, और ये देखिए ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता है डेसिमल नंबर, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे बाइनरी का देखिए बेस 2, 0, 1, और ये ह्यूमन यूज नहीं करते हैं जनरली, जब हम यूज करते हैं 0 और 1 का तो वहां पे हम डेसिमल की तरह यूज करते हैं, ना कि हम बाइनरी की तरह यूज करते हैं, बट कंप्यूटर यूज्ड दैट नंबर एज ए बाइनरी। ओके, तो यहाँ पे बाइनरी के हिसाब से कंप्यूटर इसको यूज करता है। यहाँ पे ऑक्टल बेस 8 एंड सिंबल 0 to 7, एंड यहाँ पे ह्यूमन इसको जनरली यूज नहीं करता है ऑक्टल की तरह, जो यूज करेगा वो डेसिमल की तरह ही, और यहाँ पे इसको कंप्यूटर भी इस तरह से यूज नहीं करता। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे बेस 16 और 0 to 9 और A to F, यहाँ पे ह्यूमन इसको यूज नहीं करता है एंड कंप्यूटर भी इसको यूज नहीं करता है। नाउ यहाँ पे एक मैंने टेबल लगा रखी है दो, तो उनमें मैंने देखिए डेसिमल का और बाइनरी ऑक्टल ये क्या होगा, जस्ट आप इसको एक व्यू कर लीजिए। अभी जब हम सारा कन्वर्जन सीख जाएंगे तो हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर हो या बाइनरी हो, किसी को किसी में कन्वर्ट करना हो, हम सारा कुछ कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक जान लेंगे। लेकिन जब हम कन्वर्जन करेंगे, जैसे बाइनरी का सीधे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल का सीधे बाइनरी में करना है, या ऑक्टल का बाइनरी में करना है, या बाइनरी का ऑक्टल में करना है, तो उस केस में यदि हम
इसके 15 तक अगर कोड याद रखें तो हम वो प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं, बाकी हम कन्वर्जन से तो सारा कुछ सीख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 15 तक। अब देखिए यहाँ पे जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन की कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में हम किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास चार टाइप के नंबर सिस्टम थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसमें हम डेसिमल को चाहे तो बाइनरी में कन्वर्ट करें, डेसिमल को चाहे तो हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, किसी में भी। इसी प्रकार से ऑक्टल के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए और बाइनरी के लिए, मतलब ये चारों जो भी नंबर हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस कन्वर्जन में अभी देखिए हम ये देखते हैं कि जैसे डेसिमल में हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए मैंने 15 लिख दिया, तो 15 कैसे है, 15 कैसे है, इसको अगर हम थोड़ा सा जस्ट जाने, जस्ट फन, तो देखिए किस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है 125। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि इसका जो हम लोग छोटे में इनके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जो निकालते थे, उसी तरह से मतलब स्थानीय मान और उसके वास्तविक मान जो हम निकालते थे उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए ये है यूनिट में, इकाई में, तो जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर, तो सिंपली हम रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, 10^0 × 5। तो इसका मान जो है मतलब 10^0 का मान, इसका मान 1 हो जाएगा और 1 × 5, ठीक है, 5 × 1 = 5। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो है ये 10th वैल्यू पे है, मतलब दहाई के अंक में है, तो 2 × 10^1 = इसका मान होगा 10 और ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार से अगर 1 की बात करें तो ये हो जाएगा 100 × 1, तो ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से, और जब इनको हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 125। इट मीन्स ये जो हम यहाँ 125 कह रहे थे, तो ये 125 ही है, ये इससे क्या होता है, प्रूफ होता है। अब देखिए हम लोग कन्वर्जन पे आते हैं। तो कन्वर्जन पे हम सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल सा यदि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज है तो कोई भी बंदा, नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, आसानी से इसको सीख सकता है। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से रूल्स हैं, बस वही 2-3 रूल आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं और बाकी सारा काम कहाँ हो जाएगा। हमें देखिए करना क्या है कि डिवीजन मेथड का यूज करना है। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो मान लीजिए एक एन डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका जो बेस है, आधार है, वो क्या है, 10 है, हम क्या करेंगे इस नंबर को 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर मतलब शेष है उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। मतलब दी गई डेसिमल नंबर सिस्टम की जो संख्या है उसको हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे और जो रिमाइंडर है उसका शेष है उसको हम लिखते जाएंगे और उस संख्या को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। बस यही प्रक्रिया हम बार बार 2 से डिवाइड करना करते जाएंगे कब तक, जब तक वो संख्या 0 नहीं हो जाएगी। और जब वो संख्या 0 हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे कि हम जो भी रिमाइंडर मिले हैं उन रिमाइंडर को हम उल्टा क्रम में लिख देंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं डिवीजन मेथड का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और कोई भी एक नंबर मान लीजिए, जैसे ये 22 है, 22 ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको मैं बदल रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से भाग देना शुरू करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 2 से भाग देना है मुझे, तो मैंने लिखा 22 और भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करूँगा, 2 एकम 2 और जो इसका रिमाइंडर आएगा मतलब शेष आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखिए मैंने ऐसा किया, फिर से 2 का भाग दे रहा हूँ 11 में, तो फिर देखिए क्या आया, ये 5 टाइम जाएगा और अब 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 2 × 5 = 10, 1 रिमाइंडर मैंने लिख लिया। इसी प्रकार से फिर से
टू टाइम और ये वन, फिर इसके बाद में दो एकम दो, फिर ये इस प्रकार से, तो अब ये जीरो हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख दूंगा, और नीचे से ऊपर की ओर जैसे लिखूंगा तो ये जो होगा, देखिए मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर लिखने में पहले इस डिजिट को लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, देन आफ्टर इसको, तो देखिए क्या लिखना है मुझे, 10110, देखिए 10110, और मैंने बेस लगा दिया 2। तो इस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किस में हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे 56 एक नंबर है और इस नंबर को मैं बदलना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, 2 से भाग देना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 28 टाइम और 0 यहाँ पे रिमाइंडर, फिर इसके बाद में फिर 14 टाइम 0 रिमाइंडर, इसके बाद 2 × 7 = 14 मतलब तो फिर 0, फिर इसके बाद 3 टाइम है ना, 2 × 3 = 6 1 रिमाइंडर, इसके बाद फिर से 2 से किया 1 रिमाइंडर, और ये यहाँ पे फाइनली 0 आ गया और ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाके और मैं फाइनली इसको लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे ये बाइनरी नंबर इसका मिल जा रहा। तो सिंपली कोई भी नंबर हो, इसके आप और भी प्रैक्टिकल कर लें, और जो भी आप नंबर लें उस नंबर को इसी तरह से आप कन्वर्ट करें। इसके बाद में जब मैं आपको इसका उल्टा पढ़ा दूंगा, मतलब बाइनरी से डेसिमल बनाना बता दूंगा अगले लेक्चर में, तो आप खुद ही इसको चेक कर लेंगे, मतलब आप किसी भी नंबर को जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर होगा उसको आप बाइनरी में बदल पाएंगे, और फिर बाइनरी को फिर आप दोबारा कन्वर्ट करके देख लेंगे, तो आपको खुद अपना रिजल्ट मालूम चल जाएगा। तो अभी आप थोड़ा सा इसमें कुछ और भी अभ्यास कर लें ताकि ये आपको भूले नहीं। अब देखिए, अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदलना है, ठीक है। तो हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं और ऑक्टल के बारे में जानते हैं, अब क्या करेंगे हम, फिर इसमें भी थोड़े से कुछ नियम वही सेम जो बाइनरी वाले हैं, सेम है बिल्कुल सेम, बस इसमें क्या है, इसमें बेस बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा। कोई भी एक देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, नंबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का, आप क्या करेंगे उसको 8 से डिवीजन करना शुरू करेंगे, 8 से भाग देना उसमें शुरू करेंगे। अब 8 से भाग देंगे आप और तब तक देते रहेंगे जब वो नंबर तब तक कि 0 ना हो जाएगा, और फिर इसके बाद में वही प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पर देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ जो कि है कितना, 214। अब इसका मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ किसमें, ऑक्टल में। तो क्या करूँगा, इसको मैं 8 से भाग देना शुरू करता हूँ। 8 से देखिए भाग देना शुरू किया मैंने, 26 टाइम गया और यहाँ पे 6 मुझे रिमाइंडर शेष में 6 मिला। इसके बाद में फिर से मैंने 8 का भाग दिया, 3 बार गया और मुझे 2 रिमाइंडर मिला। इसके बाद ये फिर से अब ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आ गया क्योंकि भाई 3 संख्या छोटी हो गई, तो ये 3 है ना फिर से आ जाएगा रिमाइंडर में, शेष में आ जाएगा। तो फिर से अब नीचे से ऊपर फिर से मैं लिख देता हूँ इनको ऐसे, और ये मुझे रिजल्ट मिल जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। देखिए ये 4330 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस इसका 10 है चूंकि। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑक्टल में, ठीक है। फिर से मैं 8 का देखिए भाग दे रहा हूँ, तो ये इसमें देखिए 2 मुझे रिमाइंडर 2 मिला। आप इसको मैन्युअली करके देखें उसमें, है ना, आप रफ में इसको करते जाएं और इसको देखते जाएं किस तरह से क्या हो रहा है, और ये फाइनली इस तरह से ये 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 और ये, और फिर इसके बाद में आप ऊपर इसको लिख दें और ये हमें रिजल्ट इसका मिल जाएगा। इसके बाद अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो वही सिंपली रूल, डिवीजन मेथड, क्या करेंगे 16 से भाग देंगे, और 16 से भाग देने के बाद में फिर वही जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको लिखते जाएंगे, और फिर उसी रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर फिर लिखेंगे हम। तो यही प्रक्रिया करते चले जाएंगे जब तक वो संख्या 0 ना हो जाएगी, और सिंपली हम वही करेंगे। देखिए फिर इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये 126 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमें क्या करना है, भाग देना, कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में।
हम क्या करेंगे, 126 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें कितने से, 16 से। तो देखिए भाग दिया, 7 टाइम गया, इसके बाद इसका जो रिमाइंडर है देखिए 14 बचा। अब चूंकि 14 क्या होता है, ई होता है भाई, ए बराबर 10, बी बराबर 11, इस तरह से जो मैंने बताया था उसमें के हिसाब से अगर देखें तो 14 क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो ई बराबर मतलब 14, तो 14 बराबर ई हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में फिर ये जो कि 7 छोटा हो गया, भाग नहीं जाएगा, तो ये भी शेष मतलब रिमाइंडर में आ जाएगा। और ये नीचे से ऊपर मैं क्या करूँगा, इसको फिर से लिख दूंगा और ये मुझे यहाँ फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा 7e। मतलब नीचे से पहले मुझे 7 लिखना होगा, फिर ये e लिख देना होगा। ये 14 है तो 14 का मैं कोड यहाँ कर दूंगा तो हेक्सा में बन जाएगा। इस प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए, देखिए 603 को बदलना है, ठीक है, डेसिमल में है, हम इसको बदल रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो 16 से भाग देना शुरू करते हैं इसमें, इसमें भी देखिए भाग देते हैं और हमें इसमें क्या मिलता है कि 11 मिलता है रिमाइंडर इसका। 11 क्या होता है, बी के बराबर होता है, फिर इस 2 टाइम जाता है और फिर ये 2 नीचे आ जाएगा और इस तरह से फिर हम नीचे से ऊपर इसको लिख देंगे और ये फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि किस प्रकार से कन्वर्जन करना है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने इन चीज़ों को देखा, तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपको ये यूजफुल लगे तो इसको दूसरों को भी शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास जरूर करें। अभ्यास करेंगे जब इसके आने वाला अगला जो लेक्चर है उसको देखेंगे आप, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे इनको। तो और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले जो भी लेक्चर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।